सभी लोगों को वटसावित्री की बहुत बधाई हो। यार ये कह रहे हैं पुराने लेकिन नए नए लग रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप सब लोगों को वट सावित्री की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, सज धज के जा रहे हैं पूजा करने मंदिर में, वट वृक्ष की पूजा करने जा रहे हैं। तो चलिए, आज हम आपको दिखाते हैं कि पूजा कैसे करते हैं, और इस पूजा की जो विधि होती है वो मैं आपको आज दिखाऊंगी, क्योंकि मुझे भी नहीं पता है कि इसकी पूजा कैसे की जाती है। तो फिर अगले साल से मैं भी रखूंगी व्रत। रखना था ना, मैं भूल गई, पंडित जी से पूछना, सुझाना पड़ता है ना। मैंने कल ही सुझाया। हाँ, तो सुझाना पड़ता है, तो सुझाया नहीं था इसलिए मैंने व्रत रखा नहीं। तो चलिए, अब हम आपको ले चलते हैं रामला ग्राउंड में, तो वहीं पर ही इसकी पूजा होनी है। बहुत सारी महिलाएं वहाँ पर आती हैं पटरी पर, और वहीं पर आज सभी सजधज के आती हैं। देखो नए नवेली दुल्हन बन के आ रखे हैं ये सारे के सारे। नहीं, साल नई नवेली नहीं है, हम 22 साल हो गए हमारे शादी को। 22 में 22 पूरे होंगे क्या? नहीं, आप 22 पूरे होंगे, अभी हुए नहीं है, 22 साल होंगे। हाँ हाँ, मेरे ऐसा लग रहा है, ऐसे हम ऐसा फील हो रहा है कि हम नए हैं। मेरे आप होंगे 22 जून में, आप होंगे ना 21 पूरे होंगे, 22 में लगे तुम्हारे। मेरा भी 21 पूरे होंगे, 22 लगा है तुम्हारे। मेरी शादी के बाद हुआ थी साथ तुम्हारे? हाँ, बाद में ही हुई होगी तुम्हारी। कब हुई? मेरी 2002 दो में, तो मेरी भी हुई अप्रैल में हुई। हाँ, मेरी जून में। दो महीने का फर्क है, तुम्हारी अप्रैल में। हाँ, जून में, जून में। आइए, हाय भी नहीं कर सकते, इनके हाथ में थाली है, अच्छा कर रहे हैं। सभी लोगों को वट सावित्री की बहुत बधाई हो। तो अभी हम पहुंच गए हैं रामलीला ग्राउंड, तो यहाँ पे काफी भीड़ हुई है पूजा करने वालों की। ये देखिए, तो दोस्तों, यहाँ पे चल रहा है इनका फोटो सेशन, इनकी पूजा हो चुकी है, और अब ये सभी लोग फोटो वगैरह खिंचा रहे हैं। सब इतने सुंदर लग रहे हैं, नए नए दुल्हन जैसे लग रहे हैं, और ये भाभी बहुत खूबसूरत लग रही है, और ये कह रहे हैं पुराने लेकिन नए नए लग रहे हैं। हैप्पी वट सावित्री। और हाँ, हाँ हो गया। यहाँ पे हो रही है वट सावित्री की पूजा, तो काफ़ी चहल पहल है, काफ़ी सभी लोग सज धज के आए हैं। ये बहुत बड़ा यहाँ पे बड़का पेड़ है, ये काफ़ी वर्षों पुराना है। तो जब तक ये लोग पूजा करते हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा सा और वीडियो इधर की बना ली जाए,
ये रामलीला ग्राउंड है, यहाँ पे काम चल रहा है आजकल। ये सब स्टेज वगैरह तोड़ करके नया बन रहा है और रामलीला भी यहीं पे होती है, यहीं आते हैं हम रामलीला देखने। ये हैं श्री हरिचंद पांडे जी, तो इनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है ये जो भी यहाँ पे काम चल रहा है रामला ग्राउंड का, और ये जो बंदी इन्होंने ये इसकी जो बाउंड्री वगैरह बनाई है तो ये सब इन्हीं की देन है। बोलो। मैं बताना चाहूँगा कि देन तो हमारे हरिचंद तिवारी जी की है जो हमारे संरक्षक रहे और इस समय स्वर्ग में हैं। उनकी एक टीम थी और मैं सोचता हूँ उस टीम में आपके पिताजी भी थे। ये जो भाई साहब हैं ये बहुत टैलेंटेड हैं। इन्होंने ये बहुत अच्छा हाँ एक्टिव तो खैर है ही, बहुत अच्छा पार्ट भी इन्होंने बहुत खेला है। रामचंद्र का इन्होंने पार्ट खेला, वो हमने इनको देखा, लक्ष्मण का मुझे याद नहीं है। तो ये बहुत अच्छा इनकी जो आवाज है बहुत अच्छी है, और राम के अलावा और कौन सा अंगद का पार्ट? हाँ अंगद का भी ये पार्ट, दशरथ, दशरथ का पार्ट, दशरथ का अभिनय किया। हाँ और दशरथ का भी बहुत सुंदर ये अभिनय किया है इन्होंने। हाँ बहुत ये सामाजिक है और अभी ये जो सब चल रहा है सब एक लाइन में सुना भी देता ये कर रहा है। हाँ तो एक लाइन सुनिए आप लोग। समाज एक दिन इस दुनिया से सबने जाना है और जो हम कार्य करेंगे वही संसार हमको याद करेगा। तो हमारी बहन मीना ने और ये हमारी विद्यालय की फाउंडर टीचर भी रही ये मेरे बारे में बता रही, मैं इनके बारे में बता रहा हूँ। ये फाउंडर टीचर और यूट्यूबर बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे इनके वीडियो हैं, आप जरूर देखो। जो नहीं देख रहे हैं सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, इनका हौसला जरूर बढ़ाइए, बढ़ाइएगा। और इनका भी इनको तो ये परिचय के मोहताज नहीं है, काफी फेमस है और काफी अच्छा इनका वर्क रहता है। बताने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं फिर भी बताना चाहती थी और बता दिया है। काफी टैलेंटेड है, बहुत अच्छे, और आज ये अपना वीडियो बनाने आए हैं यहाँ पे। आपने रामला की याद दिला दी है, मेरे गले की याद दिला दी है। हाँ, तो मैं वो एक लाइन जरूर सुनाऊंगा कि तिन दिख जाएगा माटी के मोल, जग में रह जाएंगे यारे तेरे दो, दूजे के होंठों को देखकर अपने की कोई निशानी छोड़ फिर दुनिया से दो। तो होने को तो बहुत लंबा है। हाँ। आपको बहुत कुछ और कवर करना है। हाँ। आज सावित्री का देखिए आज भी इनकी आवाज में कितना दम है और कितना सुंदर ये गा रहे हैं। तो चलिए अब हम इनसे विदा लेते हैं क्योंकि ये भी वीडियो बनाएंगे और मैं भी बनाऊंगी। थैंक यू। आज तो काफ़ी रौनक हो रही है यहाँ पे, तो इन सब की पूजा हो चुकी है, राधा की, जानकी की, जो भी आए मेरे साथ। तो अभी मैं करती हूँ उनके इंतज़ार, फिर हम चलते हैं घर को। तब तक जब तक ही आते हैं तब तक आप बने रहे हमारे वीडियो में। और ये यहाँ पे रील बनाई जा रही है, वो नहीं थकी यार। इनकी रील पूरी नहीं हो रही, मैं तो थक रही हूँ बहुत ज़्यादा, सच में थकान हो गया। तो
तो अभी हम जा रहे हैं घर को। भाभी तो अभी हम घर जाने की तैयारी कर रहे हैं, तो अभी हम थोड़ा सा और वेट करेंगे, दो लोग और हैं उनके आने तक। तो मैंने सोचा थोड़ा सा इनसे भी परिचय तो है ही, जान की जैसे यूट्यूबर हर, और ये रील बनाने वाली ट्यून ढाई बजे से कीर्तन है हमारे मंदिर में, तो सभी लोग आ जाना, सभी लेडीज लोग आना। जब तक ये कीर्तन होता है तब तक ये ब्लॉग तो पोस्ट नहीं होगा। तो दोस्तों अभी हम चल पड़े हैं घर को, ये सब अपने फ़ोन में फोटो वीडियो देख रहे हैं जाते जाते घर जाके, क्योंकि इनको टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि किसी को बच्चे लेने जाना है, किसी को खाना बनाना है, तो यहीं से फ़ोन देखते देखते जा रहे हैं। ये तो ये था हमारा आज का वट सावित्री ब्लॉग। तो दोस्तों अब हम मस्त वाला। तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और अब हम करते हैं ब्लॉग का एंड और मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में। आज के लिए बस इतना, बाय 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 बाय।